नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिदिति शर्मा। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर इंडियन मोटो जीपी का आयोजन करवाने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कौर ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साथ ही जेपी ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गौर ने फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मुकदमा भी दायर किया है। आपको बता दें कि फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर जेपी ग्रुप के 19 करोड़ रुपए बकाया हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनी ने जेपी समूह को यह पैसा नहीं चुकाया है। अब आपको बता दें कि जेपी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौर ने औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह को भेजी चिट्ठी में क्या लिखा। पिछले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को तैयार करने में काफी खर्च हुआ था, तो वहीं इंडियन मोटो जीपी का आयोजन करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक बकाया जेपी ग्रुप के 19 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इस पर मनोज गौर ने यह भी कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया है और सिर्फ यह समस्या केवल जेपी ग्रुप के साथ ही नहीं है, बल्कि कई अन्य ठेकेदारों को भी भुगतान नहीं किया गया है। बकाया भुगतान न करने के कारण कई कंपनियों और ठेकेदारों ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से शिकायत की थी। इतना ही नहीं, पिछले साल का बकाया चुकाए बिना ही कंपनी एक बार फिर मोटो जीपी के आयोजन की तैयारी कर रही है। इन्हीं सब के चलते 16 जून 2024 को आयोजित हुई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मनोज गौर ने शामिल होने से मना कर दिया था। साथ ही फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं इन शिकायतों के मद्देनजर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। आयोजक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। इन घटनाक्रमों के कारण इंडियन मोटो जीपी के दूसरे आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मनोज गौर द्वारा लिखे गए इस पत्र ने स्थिति को और अधिक साफ कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पिछले साल सरकारी निकाय यूपी इन्वेस्ट ने ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी आयोजन की सिफारिश की थी। इस बार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय मोटो जीपी, जो कि स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है और भारत में पहली बार मोटो जीपी का आयोजन 2023 में हुआ था। हालांकि आयोजक कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान में देरी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की स्थिति की निगरानी गंभीरता से कर रही है। इन मुद्दों का समाधान न केवल जेपी ग्रुप और अन्य ठेकेदारों के लिए, बल्कि भारत में इस प्रतिष्ठित आयोजन के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और संबंधित पक्ष इस संकट से कैसे निपटते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।